सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। टंकारा गुजरात में अहमदाबाद मोरवी हाईवे पर अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर बसे इस गांव की मिट्टी को आधुनिक भारत के युग प्रवर्तक महान योगी महर्षि दयानंद सरस्वती को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। भारत में जब अन्य धर्म हिंदू समाज को गिद्धों की भांति नोच नोच कर खा रहे थे, हिंदू आस्था की रीढ़ गाय और नारी दोनों ही शोचनीय स्थिति में थी तथा स्त्री शूद्रो नाथियताम एवं द्वारम किमेकम नरकस्य नारी जैसे अमानवीय सिद्धांत हिंदू दर्शन की खिल्ली उड़ा रहे थे और हिंदू धर्म अपने ही अंधविश्वासों और पाखंडों के नीचे दबकर रह गया था, तब सन 1824 में इस टंकारा ग्राम में कर्शन जी त्रिवाड़ी के घर एक बालक मूल शंकर ने जन्म लिया, जो आगे चलकर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम लोकसभा के सभापति श्री अनंत शयनम अयंगार ने टंकारा पधारने पर कहा था, महर्षि राष्ट्र के पितामह हैं। महर्षि दयानंद ने अकेले ही हिंदू धर्म में फैले पाखंडों और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, सत्य की पताका उठा, असत्य का खंडन किया, हमें वेद ज्ञान रूपी अमृत देकर स्वयं अनेक बार विष पिया। एक साधारण मनुष्य जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सब कष्ट महर्षि ने उठाए। सनातन वैदिक धर्म की पताका फहराती रहे, इसके लिए अपमान हो या जहर, सब कुछ सहन किया। महर्षि दयानंद ने वेदों की बुझती ज्योति को जलाए रखने के लिए 1875 में एक आंदोलन की नींव रखी, जिसका नाम था आर्य समाज। आज विश्व भर में आर्य समाज के 6000 से भी अधिक केंद्र मानव कल्याण के कार्यों में लगे हैं। ऐसे महान ऋषि के भक्तों ने इस डेमी नदी के किनारे उनकी जन्मभूमि टंकारा में उस महान आत्मा का स्मारक स्थापित करने का निश्चय किया, ताकि आर्य जगत अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित कर सके। संवत 2015 में श्री नानजी भाई कालिदास मेहता ने मोरवी महाराज का यह ग्रीष्मकालीन महल खरीदकर स्मारक की नींव रखी। ১৯৫১ में इस स्थान की देखरेख और उन्नति के लिए महर्षि दयानंद स्मारक ट्रस्ट का गठन किया गया, जो 1961 में रजिस्टर्ड हुआ। इस ट्रस्ट की स्थापना व प्रगति में श्री नानजी भाई कालिदास मेहता, गंडाराम मेहता, मेहरचंद महाजन, लाला दीवानचंद, ओंकारनाथ मानकताला व अन्य अनेक महानुभावों का स्मरणीय योगदान रहा। आज यह ट्रस्ट टंकारा ट्रस्ट के नाम से लोकप्रिय है। महर्षि की शिक्षाओं और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए टंकारा ट्रस्ट कटिबद्ध है। आर्य समाज के प्रचारक तैयार करने के लिए एक उपदेशक विद्यालय यहां आचार्य सत्यदेव जी के आचार्यत्व में 1966 में शुरू किया गया, जो आज आचार्य विद्यादेव जी के मार्ग निर्देशन में निरंतर प्रगति कर रहा है। यहाँ के स्नातक आज विश्व भर में वेद प्रचार कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्यालय में 175 विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी यहाँ आर्ष ग्रंथों का गहन अध्ययन व ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा के चतुर्मुखी विकास का अवसर मिलता है, अध्ययन, मनोरंजन, श्रमदान, खेलकूद, सभी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिष्य आचार्य एक साथ खेलते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, अतः शारीरिक शिक्षा यहाँ अनिवार्य है। अपने जीवन काल में महर्षि ने जहाँ जहाँ गुरुकुल खुलवाए, वहाँ व्यायाम शालाएं अनिवार्य रूप से खुलवाएं। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। शिष्य आचार्य यहाँ एक साथ और एक जैसा भोजन करते हैं। सबसे पहले
ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ खाने की सात्विकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये महर्षि दयानंद बहुलक्षी विद्यालय ट्रस्ट के ही भवन में चलता है, टंकारा ग्राम के अन्य बच्चों के लिए आचार्य निवास। यहाँ सेवारत सभी आचार्यों के लिए आवास की व्यवस्था है, ताकि आचार्य वृंद अधिक से अधिक समय और ध्यान विद्यार्थियों को दे सकें। और ये हैं ब्रह्मचारियों के निवास भवन, यहाँ छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी रहते हैं। और ये बड़े छात्रों का छात्रावास, पूर्ण रूप से सज्जित। सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए सोलर हीटर की भी व्यवस्था है। छात्रों की आवश्यकता की हर वस्तु उन्हें ट्रस्ट की ओर से दी जाती है। आर्य साहित्य केंद्र, यहाँ वैदिक साहित्य उपलब्ध रहता है, विशेष रूप से महर्षि से संबंधित साहित्य यहाँ मिलता है। ब्रह्मचारियों के स्वाध्याय के लिए ये पुस्तकालय, यहाँ आर्ष ग्रंथ एवं हिंदी और संस्कृत साहित्य प्रचुरता से उपलब्ध है। महर्षि का वास्तविक जन्म स्थान अब तक ट्रस्ट को प्राप्त नहीं हो सका था, लेकिन टंकारा ट्रस्ट के ट्रस्टियों व महात्मा सत्यानंद मुंजाल के अथक प्रयत्नों से वर्ष 2000 में यह स्थान श्री कानजी भाई चक्कू भाई भामर द्वारा श्री केशु भाई पटेल, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, को टंकारा ट्रस्ट के लिए विधिवत समर्पित किया गया। महर्षि के जन्म स्थल पर यह भव्य भवन आर्यजनों के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। इस भवन के नीचे के प्रखंड में अपने प्यारे महर्षि की याद को अमर बनाने के लिए उनके जीवन चरित्र को इन सजीव चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इन चित्रों में महर्षि के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को बहुत ही सजीव रूप में यहां प्रदर्शित किया गया है, ताकि आगंतुक उनसे प्रेरणा ले सकें। ऊपरी खंड में एक प्रेक्षागृह व सभागार बनाया जा रहा है, जिसमें शीघ्र ही आधुनिक वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि महर्षि के जीवन व आर्य समाज पर बनने वाले चलचित्र यहां दिखाए जा सकें, जिससे महर्षि की शिक्षाओं का बहुमुखी प्रसार हो। नारी शिक्षा एवं स्वावलंबन महर्षि की वरीयताओं में सबसे ऊपर थे। उसी का अनुसरण करते हुए टंकारा की असहाय महिलाओं के लिए ये सिलाई कढ़ाई केंद्र शिवराजवती ओंकारनाथ धर्मार्थ ट्रस्ट के सौजन्य में चलाया जा रहा है। गो रक्षा के लिए महर्षि ने आजीवन संघर्ष किया। गाय की दीन अवस्था देखकर उनका हृदय रोता था। टंकारा ट्रस्ट ने यहां एक गौशाला की स्थापना की है। यहां हर समय सैकड़ों गायों की देखभाल का प्रबंध है। इस गौशाला से प्राप्त दूध उपदेशक विद्यालय व अतिथियों के काम आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामयः। ये धर्मार्थ चिकित्सालय सबकी भलाई के लिए ट्रस्ट द्वारा खोला गया है। ट्रस्ट का प्रयास है कि महर्षि के स्मारक को विश्व दर्शनीय स्तर का बनाया जाए, जिस पर हर आर्य हर भारतीय को गर्व हो। ये भव्य दयानंद द्वार वर्ष 2003 में श्री बृजमोहन मुंजाल द्वारा महर्षि को समर्पित किया गया। इस द्वार से ऋषि जन्मभूमि को नई पहचान मिली है। पुरानी यज्ञशाला 2001 के भूकंप में ध्वस्त हो गई थी। उसी स्थान पर ट्रस्ट ने एक भव्य व विशाल यज्ञशाला के निर्माण का निश्चय किया। यह विशाल विश्व दर्शनीय यज्ञशाला आर्य जगत को भेंट करते हुए ट्रस्ट को अपार गौरव का अनुभव हो रहा है। एक वर्ष से भी कम समय में ये यज्ञशाला आर्यजनों के अथक परिश्रम और सहयोग का ही परिणाम है। मुख्य द्वार व यज्ञशाला दोनों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग किया गया है।
ये दोनों काफी अधिक तीव्रता के भूकंप को सहने की शक्ति रखते हैं। ब्रह्मचारी यहाँ नित्य हवन, संध्या और भजन करते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण अवसरों पर यहाँ अनेक वैदिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। विभिन्न अवसरों पर यहाँ पधारने वाले श्रद्धालु आर्यजनों के ठहरने की यहाँ समुचित व्यवस्था है। ये है स्वामी विरजानंद भवन। साफ सुथरे, हवादार, सभी आवश्यकताओं के लिए सुसज्जित कमरे आगंतुकों के आरामदायक प्रवास के लिए ट्रस्ट ने बनवाए हैं। इस पुराने महल के सुंदर एवं विशाल कक्ष, डेमी नदी का मनोरम तट, यहाँ ठहरना अपने आप में एक सुखद स्मरणीय अनुभव है। ये फ्लैट्स विदेशी एवं विशिष्ट अतिथियों के लिए बनवाए गए हैं। इनमें पानी, बिजली, रसोई की सुंदर व्यवस्था है। यहाँ श्रद्धालु अपने परिवार के साथ शांति से ऋषि भूमि पर ठहर सकते हैं। टंकारा ट्रस्ट ने भूकंप के दौरान टंकारा व गुजरात की जनता की अपूर्व सहायता की। एक महीने तक पूरा टंकारा नगर इस प्रांगण में रहा, जहां उन्हें हर प्रकार की सहायता मिली, भोजन, वस्त्र, कंबल, टेंट, सभी कुछ। साथ ही पास के अनेक भूकंप पीड़ित गांवों में महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा के ब्रह्मचारियों एवं आचार्यों ने बचाव एवं सहायता सामग्री वितरण कार्य महीनों तक किया। सहायता सामग्री वितरण के साथ साथ भूकंप ग्रस्त ग्रामों के पुनर्निर्माण में भी हर संभव सहयोग दिया। टंकारा ट्रस्ट के माध्यम से अनेक आर्य संस्थाओं ने करोड़ों रुपयों की सहायता सामग्री का वितरण बिना किसी भेदभाव के किया। भूकंप सहायता से ट्रस्ट व स्थानीय जनता के बीच एक विश्वास स्थापित हुआ है। ट्रस्ट भी स्थानीय जनता की यथासंभव सहायता करता है। उनके सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों के लिए अपने पास से बर्तन, दरिया, लकड़ी इत्यादि निःशुल्क और समभाव रूप से टंकारा वासियों को देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ के लोग महर्षि और आर्य समाज को बेहतर जानने लगे हैं। आज टंकारा में एक आर्य नगर, एक हाउसिंग सोसाइटी, एक हॉस्पिटल, आईटीआई, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और साथ ही डेमी नदी पर बना यह महत्वपूर्ण बांध भी महर्षि की याद को समर्पित है। देश की अनेक विभूतियां समय समय पर महर्षि के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पधारी, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रकाश वीर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, केदारनाथ साहनी, चौधरी बंसीलाल, डॉक्टर स्वरूप सिंह, मुरारजी देसाई एवं शंकराचार्य इत्यादि। शिवरात्रि का दिन हर आर्य के लिए एक बहुत ही महत्व का दिन है। इसी दिन महर्षि को पत्थर की मूर्ति में सच्चे शिव के न होने का बोध हुआ था। टंकारा ट्रस्ट महर्षि के जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना को हर वर्ष ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाता है, जो कि एक सप्ताह तक चलता है। इस अवसर पर देश विदेश से आर्यजन भारी संख्या में अपने गुरु को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस अवसर पर यजुर्वेद पारायण यज्ञ होता है, प्रवचन एवं संगोष्ठियां होती हैं, शोभा यात्रा निकलती है। इस अवसर पर पधारे सभी आर्यजनों के रहने एवं खाने की व्यवस्था पूर्णतया टंकारा ट्रस्ट द्वारा की जाती है। सभी आर्यजनों से अपील है कि अपना मुक्त हस्त सहयोग जारी रखें, ताकि महर्षि की इस पुण्य जन्म भूमि को हम विश्व के दर्शनीय स्थलों की श्रेणी में ला सकें। महर्षि दयानंद जन्म स्थान टंकारा में मैं पिछले 40 वर्षों से संबंधित हूँ। आज जो भी वहाँ देखने का स्वरूप नजर आ रहा है, उसमें विश्व भर की आर्य समाजों ने मुझे जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और इसमें मैं ये बात भी कहने लगा हूँ कि हम पिछले
चालीस वर्षों से ये प्रयत्न कर रहे थे कि हमें जन्म स्थान मिल जाए, पर श्री सत्यानंद मुझार और मुझार परिवार के सहयोग से चिकू भाई ने हमें वो जन्म स्थान जो दिया और हमने उसको अब विश्व दर्शनी जो है वह बना दिया है। और इस समय वहाँ पर लगभग 175 विद्यार्थी जो हैं वह कार्य कर रहे हैं, और देश में ही नहीं विदेशों में भी टंकारा के स्नातक तैयार होकर धर्माचार्य के रूप में शिक्षण संस्थाओं में आर्य समाजों में जो हैं कार्यरत हैं। ये तभी कार्य हो सका जब विश्व भर की आर्य समाजों ने हमें सहयोग दिया। ट्रस्ट ने एक निश्चय किया कि एक इसकी लघु फिल्म बनाई जाए ताकि विश्व भर में इसकी कापियाँ करवा कर हम भेजें ताकि लोगों को उस जन्म स्थान की जानकारी हो जहाँ स्वामी दयानंद जी महाराज ने जन्म लिया। मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और विशेषकर मुझाल परिवार का जिन्होंने हमें ये जन्म स्थान जिस कमरे में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था वो स्थान दिलवाया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ जब इस संसार में युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया। उन्होंने संसार को जो उस वक़्त रूढ़िवाद में अंधेरे में फंसा हुआ था उसको वहाँ से निकाला। बच्चों की शिक्षा, स्त्री विवाह, गायत्री मंत्र का पढ़ना पढ़ाना और जो दूसरी बुराइयां संसार में थीं उनको दूर करने का इस संसार को रास्ता बताया और आर्य समाज की नींव रखी। ऐसे महापुरुषों के इस संसार पर आने को और इस संसार में इतना बड़ा कार्य कर जाने को तभी हम सार्थक कर सकते हैं यदि हम उनके जन्म स्थान, उनके शिक्षा स्थान, उनके कार्य स्थानों को उसी प्रकार कायम रखें, उनको बढ़ाएं, उनमें लोगों की रुचि बढ़ाएं। मैं अपनी ओर से और मैं समझता हूँ आर्य जगत की ओर से श्री रामनाथ जी सहगल और अजय सहगल का हम भार नहीं उतार सकते, जिन्होंने इतना बड़ा काम अपने सिर पर लेकर टंकारा छोटे से स्थान को, छोटी सी नगरी को एक बिल्कुल नया रूप देने की चेष्टा की और नया रूप दे लिया। वहाँ जो विद्याएं चल रही थीं, विद्या स्थान चल रहे थे, उनको नया रूप दिया, नई संस्थाएं बनाई। जाके देखने वाली जगह है जहाँ महर्षि स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था, उस स्थल को इतना सुंदर बना दिया है। मैं सारे आर्य जगत से प्रार्थना करता हूँ, प्रेरणा करता हूँ कि वो हर साल जिन दिनों शिवरात्रि के दिनों में जब स्वामी दयानंद जी को ज्ञान हुआ था, बोध हुआ था, जब वो इतना महान उत्सव वहाँ मनाया जाता है, आप भी वहाँ आएँ, देखें और महर्षि दयानंद के कार्यों को सराहने में आप भी शामिल हों। धन्यवाद। टंकारा हमारे गुरु का जन्म स्थान है। जन्म स्थान होने से हमारे लिए तीर्थ स्थल है। स्वामी दयानंद ने जन्म लिया, जहाँ जन्म लिया, जिन गलियों में खेला, उन गलियों की मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर लगाकर अपने गौरव अनुभव होता है। टंकारा ट्रस्ट ने ट्रस्ट में एक बड़ा उपदेशक विद्यालय खोला हुआ है जिसमें ब्रह्मचारी तैयार किए जाते हैं और वो ब्रह्मचारी प्रचारक बनकर देश और विदेश में जाकर वेदों का प्रचार व प्रसार करते हैं। ट्रस्ट ने राजप्रसाद में बहुत सी बिल्डिंग बनाई हुई हैं लोगों के ठहरने के लिए, अब नए फ्लैट भी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ बड़ी भव्य यज्ञशाला है, अतिथिशाला है, गऊओं के लिए गौशाला बनी हुई है, बच्चों की सिलाई सिखाने के लिए भी एक स्कूल खोला गया है। इस प्रकार से कई योजनाएं चल रही हैं, परंतु जो गृह स्वामी जी का जन्म स्थान था वो प्राप्त अभी तक नहीं हुआ था। बहुत प्रयत्नों के पश्चात 50-60 वर्ष लगाने के पश्चात बड़े प्रसन्नता की बात है वो भी अपने को 2 वर्ष पूर्व मिल गया है, जिसको बहुत अच्छी सुंदरता से सजाया गया है। आप आएं, जब भी आना चाहें आएं और स्वामी दयानंद के प्रति अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो प्रचोदयात्। आप अपना सहयोग महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा
जिला राजकोट, गुजरात 363650 या उप कार्यालय टंकारा ट्रस्ट, आर्य समाज, अनारकली मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001 पर भेज सकते हैं। ट्रस्ट को दी गई धनराशि आयकर अधिनियम 80G के अंतर्गत आयकर से मुक्त है।